अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ। हेलो गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दिस इज मी सुंबल चौधरी। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? वी होप सो कि आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है इंडियन स्टेट्स वर्सेस कंट्रीज जीडीपी कंपैरिजन। अच्छा, स्टेट्स का कंट्रीज के जीडीपी के साथ कंपैरिजन है, तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा हमारे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और टाइमली वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी बांग्लादेश से भी ज्यादा है? अच्छा, यह तो जानते होंगे कि जीडीपी के बेस पर हमारा छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश नेपाल जैसे देश से भी आगे है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा देश एक था, एक है और आगे भी रहेगा। वो अलग बात है कि कुछ सालों पहले भारत से अनेकों देश अलग होते चले गए। खैर दोस्तों, यह दूसरा टॉपिक है। फिलहाल इस वीडियो में आज हम इतना देखेंगे कि इंडिया के स्टेट कैसे दुनिया के देशों से विकसित और अमीर हैं, और यदि आज यह सभी स्टेट्स अलग अलग देश होते तो क्या इनकी अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों को टक्कर दे पाती या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर इंडिया के राज्यों को दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हम लगभग सभी स्टेट्स को कवर करने के लिए प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्टेट इनमें से कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, बिकॉज आपको जीडीपी के बारे में पता ही नहीं होगा तो यह वीडियो आपके कुछ काम का भी नहीं। सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश, राज्य या फिर शहर की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का एक बेस्ट मेथड है। बता दें, जीडीपी देश में सभी लोगों द्वारा किए गए टोटल प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ जीडीपी हम किसी भी देश को अमीर या फिर गरीब साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ समझे, आई होप अब आपको कभी भी जीडीपी क्या होती है यह कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम केवल स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। भारत के छोटे से राज्य हिमाचल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि पड़ोसी देश नेपाल की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है। वहीं नेपाल हिमाचल प्रदेश से एरिया के कंपैरिजन में 3 गुना बड़ा है। इसी तरह हमारा उत्तराखंड स्टेट जीडीपी कंपैरिजन में लीबिया कंट्री के लगभग बराबर है। उत्तराखंड की जीडीपी आज 2020 में 41 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो लीबिया की जीडीपी 44 बिलियन यूएस डॉलर्स को टक्कर दे सकती है। दोस्तों, 2020 में हमारे हरियाणा स्टेट की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि यूक्रेन की जीडीपी 120 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज्यादा है। दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य की जीडीपी दुनिया के ग्वाटेमाला की जीडीपी से भी ज्यादा है, और अगर पंजाब कोई अलग देश होता तो यह दुनिया का जीडीपी बेस पर 65 नंबर का देश होता। इसी तरह भारत के राजस्थान स्टेट की जीडीपी 140 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मुकाबला कर सकती है वेस्टर्न एशिया के देश कुवैत की जीडीपी का, जहाँ की जीडीपी 135 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, इसके बाद भारत के पांचवे सबसे अमीर राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का नंबर वन स्टेट है। इसकी जीडीपी 250 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अफ्रीका की जीडीपी 240 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों, जीडीपी वाइज हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट को तो कवर कर लिया, अब कवर करते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को, जहां भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक गुजरात की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। और अगर गुजरात कोई अलग देश होता तो इसकी जीडीपी दुनिया में 40वीं सबसे बड़ी जीडीपी होती। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की, जहां की जीडीपी 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि बराबर है नॉर्वे की जीडीपी के। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा की जीडीपी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गुयाना की 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों, अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जहां तमिलनाडु राज्य की जीडीपी भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की जीडीपी के बराबर है। इसके ठीक बाद कर्नाटका की जीडीपी 220 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की 199 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है।
दोस्तों इसी तरह आज के इस जीडीपी कंपैरिजन में केरला स्टेट दुनिया के मोरक्को कंट्री से इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है। दोस्तों तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की टोटल जीडीपी लगभग 300 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि वियतनाम की जीडीपी के बराबर है। इसी तरह एरिया बेसिस पर भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन हंगरी जैसे देश के बराबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के 92 बिलियन की कंबाइंड जीडीपी पड़ोसी देश श्रीलंका की 82 बिलियन की जीडीपी से भी ज्यादा है। पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्य ओडिशा की जीडीपी आज 2020 में लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि तंजानिया की 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत के बिहार राज्य की जीडीपी आज 2020 में 97 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो मुकाबला कर सकती है ओमान जैसे देश की जीडीपी का, जहां की जीडीपी 70 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की जीडीपी साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ग्रीस के बराबर है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8 स्टेट्स विद सिक्किम की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 95 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यह जीडीपी सेटिस्फाई करती है अंगोला देश की 90 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी को। वहीं यह जीडीपी म्यांमार की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों यह था आज का इंडियन स्टेट्स वर्सेस वर्ल्ड्स कंट्रीज के बीच जीडीपी कंपैरिजन। आपको कौन सा राज्य पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शॉकिंग था कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी जीडीपी बहुत सारी कंट्रीज, यूक्रेन हो गया, कुवैत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज थे कि स्टेट्स की जो जीडीपी है वो कंट्री से ज़्यादा, एक तो जो है आबादी भी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन भी, और फिर उसी हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट भी, ग्रोथ भी ज़्यादा, और जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ की उनकी से उनका कंपैरिजन है तो उससे भी उनकी जीडीपी ज़्यादा है। तो इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट और इतनी ग्रोथ हो रही है और इंडिया जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है, जैसा वो बता रहे थे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नॉर्वे, उसके बाद काफ़ी सारी उन्होंने कंट्रीज़ के नाम बताए, ओमान हो गया, इन कंट्रीज से भी ज़्यादा जो भारत के स्टेट्स हैं ना उनका जीडीपी है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और ये चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क, तो बड़ा ज़बरदस्त है। गुजरात का जो जीडीपी बता रहे थे वो पाकिस्तान के इक्वल था और महाराष्ट्र है जो उसका तो हमसे डबल है जीडीपी, तो बड़े अमेजिंग फैक्ट थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, और जो है इस तरह से डेवलपमेंट हो रही होती है कहीं पे और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। जी जो फैक्ट है वो तो मानना पड़ेगा और जहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम मानते हैं, और बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत मुझे तो ज़बरदस्त लगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, वी होप सो यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़, बाय।